हेलो फ्रेंड, हमारे पास है सैमसंग का M30S और जो कि डेड कंडीशन में है। अगर आपके पास कोई भी सैमसंग का फ़ोन आता है डेड कंडीशन में, उसको किस तरह से चेक करोगे और किस तरह से ठीक करोगे, आज के इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कि ये आसान सा और सिंपल सा मेथड है। अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आता है और उसका जो पावर सप्लाई मशीन में, डीसी मशीन में अगर आप चेक करते हो तो उसका कुछ करंट लेकर और स्टक होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका EMMC फॉल्ट है, उसका पावर IC से भी फॉल्ट होने का चांसेस रहता है। तो वो आपके जो चेक करने का तरीका है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ताकि आपका फ़ोन जो है वो किस तरह से आप ठीक करोगे वो बाद में आएगा, लेकिन आपका जो चेक करने का तरीका है उसके ऊपर डिपेंड करता है फ़ोन का जो प्रॉब्लम आप फाइंड कर पाते हो कि नहीं। तो जितना भी सैमसंग का M03S, M30S और कोई भी सैमसंग का मॉडल है आपके पास अगर डेड कंडीशन में आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको खोल के चेक कैसे करते हैं और किस तरह से उसको ठीक करोगे, आज के इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। तो फ़ोन में कोई तो टेक्नीशियन भाई काम किया था, और क्या काम किया था पता नहीं, लेकिन इसका जो फ़ोन है वो अभी तो फ़िलहाल डेड है। और हम जब DC पावर सप्लाई में कनेक्ट करेंगे तो 14-15 तक लेके स्टक होगा, ठीक है, और 14-15 लेके स्टक होगा और फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले बैटरी का जो कनेक्टर पे पावर सप्लाई आता है कि नहीं आता है उसको चेक करना चाहिए, बैटरी को निकल के एक बार लगा के ऑन करके चेक करना चाहिए, और आपका जो रीडिंग है शॉर्टेज वगैरह उसको आप चेक एक बार कर लो। उसके बाद अगर फ़ोन में कोई भी शॉर्ट नहीं मिल रहा है और आपका जो सेम प्रॉब्लम है और फ़ोन ऑन नहीं होता, तब आप इसका जो कैमरा को फर्स्ट निकाल के और पावर IC पे हल्का सा पेस्ट लगा के हीट करना है, ठीक है। पावर IC में किस तरह से आप हीट करोगे तो वो भी आपको दिखाऊंगा, और वीडियो पर बने रहिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो, ताकि ऐसा हटके प्रॉब्लम जो यूनिक प्रॉब्लम है आप लोगों तक लेके आता हूँ। IC रिलेटेड भी प्रॉब्लम आपको दिखने को मिल जाएगा, और किस तरह से आप IC लेवल पे काम करोगे वो भी आपको इस चैनल के जरिए से आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, हमने बोर्ड को पहले निकाल लिया और कैचर में कनेक्ट कर लेंगे, और कनेक्ट करने के बाद हम इस IC को हीट करेंगे। IC को हीट करने के लिए सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका ये है कि आप उसके अगल बगल में सिल्वर टेप की मदद से पूरा कवर कर लो, ठीक है, ताकि आपका हीट जो है दूसरा IC में लग के वो IC ख़राब ना हो। तो उसके बाद आपको IC में हीट करना चाहिए, और किस तरह से हीट करना चाहिए आपको दिखाऊंगा, और वीडियो पर बने रहिए। और दोस्तों, बहुत ही मेहनत से वीडियो लाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो सके, और इसलिए बहुत मेहनत लगता है एडिटिंग में और बनाने में भी। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो थोड़ा सा बनाने के लिए इंटरेस्ट और भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, ठीक है। आपका तो कुछ जाएगा नहीं सब्सक्राइब करने से, लेकिन मेरा थोड़ा भला होगा। तो हम सब पूरा बोर्ड में कवर कर लिया, और कवर करने के बाद हम IC को धीरे धीरे से हीट करेंगे, और हीट को हम रखेंगे 350 के ऊपर, और ईयर को रखेंगे 3 के पास, और हम हीट करेंगे, और धीरे धीरे हीट करने के बाद हम थोड़ा सा पेस्ट लगा के हीट करेंगे, और आपको उसके बाद आप चेक करके देखेंगे कि हमारा फ़ोन जो है ऑन होता है कि नहीं होता है। अगर इस कंडीशन में फ़ोन ऑन नहीं होता है तो आपको डेफिनेटली इसका जो पावर IC है उसको निकाल के रिबॉल करके लगाना है। अगर आपके पास रिबॉल करके लगाने के बाद भी फ़ोन ऑन नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वो पावर IC चेंज कर देना चाहिए। उसके बाद आपका फ़ोन जो है 100% सक्सेसफुली बन जाएगा। अगर आपके पास फ़ोन आता है और वो स्टक कंडीशन में होता है, तो आपको पहले पावर IC पे फोकस करना है, EMMC पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि EMMC का प्रॉब्लम जो है उसका फाइंड करने का तरीका अलग है, और पावर IC का जो स्टक प्रॉब्लम है उसका फाइंड करने का तरीका अलग है। और आपको जब EMMC का फॉल्ट है या फिर पावर IC का फॉल्ट है, इसका जो डिफरेंशिएशन आपको कैसे पता चलेगा, जे ताकि सेम कंडीशन में आपका अगर फ़ोन स्टक होता है, ठीक है, तो स्टक होने का कारण पावर IC का है या फिर EMMC का, उसको कैसे आप
पता करोगे। तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बना के रख दिया, तो देख सकते हो। तो हमारा जो हीट ऑलरेडी हो गया है और हम बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसको आप चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपको दिखाएंगे। तो इसको पहले हम क्लीन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो पेस्ट बेस्ट है उसको क्लीन करना ज़रूरी है, और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो जो कनेक्टर है उसको भी अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है। और काम करने के बाद बोर्ड को पूरा साफ़ सुथरा एकदम क्लीन करके छोड़ना, ताकि दूसरा टेक्नीशियन के पास, अगर आपके पास नहीं होता है, दूसरा टेक्नीशियन के पास जाता है तो वो आपका बुराई ना कर सके, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं बनता है तो गलत जगह काम मत करिए और उसको रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। तो हमने कनेक्ट कर लिया, और तो इस कंडीशन में ये होता है कि दोस्तों बैटरी का जो चार्ज है वो पूरा चला जाता है, ठीक है। और चला जाने के बाद आपका फ़ोन जब ओके भी हो जाएगा तो आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो इसीलिए आपको चार्जिंग केबल में कनेक्ट करके उसको ऑन करने की कोशिश करना, ठीक है। हमेशा फ़ोन काम करने के बाद चार्जिंग केबल के लगा के ही चेक करना, ताकि जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो फ़ोन है वो हमारा तो काम बन गया, लेकिन बैटरी में पावर नहीं रहने के कारण फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो है पूरा अच्छे से बन गया और हमारा जो काम है 100% सक्सेसफुल हो गया। और ये अब 0% चार्ज लेना भी शुरू कर दिया, और फ़ोन जब हम ऑन करेंगे ऑन भी हो जाएगा और हमारा काम जो है बन गया। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो आप देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो सब्सक्राइब करके जाओ प्लीज़ यार, और इस तरह का हेल्पफुल वाला वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।